हेलो दोस्तों आज हो गया है 14 जून 2020 रविवार का दिन तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्रिकेट दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी और अहम है जैसे कि इन खबरों में हम आपको बताएंगे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होगा या नहीं इस सस्पेंस पर अब सचिन तेंदुलकर का बयान आया सामने तो वहीं पर दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे इस साल कब होगा आई का आयोजन चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दिया बड़ा जवाब तो वहीं पर दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे रोहित शर्मा टी20 में दोहरा शतक लगा सकते हैं ऐसा कहा है मोहम्मद कैफ ने दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट दुनिया से जुड़ी और भी पांच छह खबरें निकलकर आ रहे हैं जो कि आप सभी को विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ एक हजार लाइक का है तो दोस्तों अभी अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्रिकेट दुनिया से निकल कर आ रही बड़ी अपडेट बड़ी खबरें जी हाँ दोस्तों पहली खबर में हम आपको बताएंगे टी वर्ल्ड कप होगा या नहीं इस सस्पेंस पर अब सचिन तेंदुलकर का बयान आया दोस्तों आप सभी को बता दें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शनिवार को कहा है कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कराने का फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेना है क्योंकि वही तय कर सकता है कि अक्टूबर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट की मेजबानी वह कर सकता है या नहीं आई को अभी इस फैसले पर इस फैसला लेना है की अब ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस महामारी पर लगभग काबू पाने के बाद इसके आयोजन की संभावना प्रबल हुई है तेंदुलकर ने कहा कि अगर हम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह फैसला ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को लेना है कि वह टूर्नामेंट करा सकते हैं या नहीं उन्होंने कहा कि आर्थिक पहलू पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होना चाहिए उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे अब दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर दो की जी हाँ दोस्तों इस साल कब होगा आईपीएल का आयोजन चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने दिया ये जवाब दोस्तों आप सभी को बता दी कि आईपीएल 2020 का आयोजन कब होगा इसको लेकर बीते दिनों कई मीडिया रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है कि बोर्ड अक्टूबर और नवंबर के बीच टूर्नामेंट का आयोजन कर सकती है वही इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में टी ट्वेंटी विश्व कप आयोजन होना है जिसके बारे में कहा गया है कि उसे स्थगित किया जा सकता है हालांकि आईसीसी ने शायद अपना मन बदल लिया है बदला है बुधवार को आईसी बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें विश्व के आयोजन पर कोई फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है वही अब आई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि सितंबर और अक्टूबर में आई का आयोजन हो सकता है दोस्तों ऐसे में लगता है कि इस साल टी वर्ल्ड कप भी होगा और साथ ही में आई भी होगा दोस्तों आपने नया सुना होगा लेकिन जी हाँ दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में आई का आयोजन होगा दोस्तों आपको क्या लगता है उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे अब दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर तीन की जी हाँ दोस्तों रोहित शर्मा टी में दोहरा शतक लगा सकते हैं ऐसा कहा है मोहम्मद कैफ ने दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है मोहम्मद कैफ ने कहा है कि रोहित शर्मा टी में दोहरा शतक जड़ सकते हैं कैफ के मुताबिक रोहित के अंदर वह काबिलियत है वह इस फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगा सकते हैं मोहम्मद कैफ ने कहा है कि रोहित शर्मा के पास वह क्षमता है कि दोस्तों क्योंकि अपने पारी के दौरान वह स्ट्राइक रेट बढ़ाते रहते हैं वह शुरुआत में थोड़ा समय ज़रूर लेते हैं लेकिन एक बार 100 रन बनाने के बाद वह 250 से 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने में सक्षम है वह टी क्रिकेट में दोहरा शतक लगा सकते हैं लेकिन यह काफ़ी मुश्किल है हमारे समय से ही मैं पूरी टीम के लिए पचास ओवरों में दो से ढाई बनाना काफी मुश्किल हो जाता था लेकिन अब कई टीमें 400 से ज्यादा स्कोर भी बना रही हैं ऐसे में आपको दोस्तों क्या लगता है कि रोहित शर्मा में दोहरा शतक लगा सकते हैं उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अब दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर चार की जी हाँ दोस्तों गौतम गंभीर ने शाहिद अफ्रीदा के कोरोना वायरस संक्रमण पर बड़ा बयान दिया है जी हाँ दोस्तों शाहिद अफरीदी को कोरोना वायरस हुआ है भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने शाहिद शाहिद अफरीदी के कोरोना संक्रमित होने पर बड़ा बयान दिया है गौतम गंभीर ने कहा है कि मेरी शाहिद अफरीदी के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है गौतम गौतम गंभीर गंभीर ने ने कहा है है कि शाहिद अफरीदी को जल्द ही ठीक होने की काम की कामना भी मतलब कि दोस्तों गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक तौर पर उनकी कितनी भी बहस हो लेकिन एक इंसान के तौर पर अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हुआ है तो वह जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए और मेरे भी यही कामना करता हूं दोस्तों अब बात करते हैं खबर नंबर पांच की जी हाँ दोस्तों आईपीएल नहीं हुआ तो क्या हुआ सी पी के लिए हो जाए तैयार इस महीने से शुरू होगा दिग्गजों आईपीएल कब होगा इसके बारे में तो केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं लेकिन इसी बीच क्रिकेट फैंस को खुश करने के लिए एक टी क्रिकेट लीग का आयोजित होने का फैसला हो गया है जिसके बाद अब फैंस मुरजाई चेहरों पर कुछ खुशी लौट सकती है आई को लेकर तो अनिश्चिता के बादल छाए हुए हैं लेकिन इस बीच कोरोना काल में कैरबई प्रीमियर लीग के अगले सीजन आयोजन को लेकर फैसला हो चुका है जो कि इसी साल 18 अगस्त से 10 सितंबर के बीच खेला जाएगा दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर छः की जी हाँ दोस्तों भारतीय प्रशंसकों के लिए आई बुरी खबर ऑस्ट्रेलिया में तय समय पर हो सकता है टी ट्वेंटी विश्व कप जी हाँ दोस्तों शुक्रवार को जहाँ एक तरफ टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए अच्छी खबर आई है तो वहीं पर आई के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है दरअसल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा है कि चालीस हजार लोगों के बैठने की क्षमता रखने वाले स्टेडियम में अगले महीने से दस हजार तक की भीड़ की मेजबानी करने की अनुमति दी जाएगी ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार का आईपीएल होगा उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे साथ ही में में दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट और सच्ची खबरें बताए हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी और अहम था दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाए साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही